फिर पकड़ के उधर गया। घर घर हो गया। साइकिलिया कहाँ गए? साइकिलिया उनका साइकिल वाला में स्वागत है। मैं आप देख सकता हूँ ये रोड है भाईसाई का, ये जोड़ती है सीधे एनएच का तरफ। इस रोड पे कितना तेज धार है, यहाँ पैर रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों काफ़ी प्रभावित हैं, इसलिए प्रभावित है कि गोपालगंज में पुनः बाढ़ आ चुका है। जो वाल्मीकि बैराज से पानी छोड़ा गया था वो पानी का कितना पहर था, कहर है, आप देख सकते हैं। ये भाई साहब है, आप देख सकते हैं कितने पानी में। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम कोहनी से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं दियर है। क्या लिए हुए हैं? ये सामान है, खाने वाने वाले, खाने वाले। बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत है। कब से पानी है? पानी तो कल से ही है। अब तो रास्ता है, आप लोग आइए, बंद हो जाएगा ये तो, बंद हो जाएगा। फिर क्या ना, वो आएगा नाव आएगा। जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि ये रास्ता बंद हो जाएगा, उसके बाद नाव की जो व्यवस्था की गई है, हालांकि नाव की व्यवस्था की गई है, हर जगह सरकार को खींचना हम लोग की काम नहीं है। जो काम सरकार अच्छा करता है उसका दिखाना भी मेरा काम है। और ये देख सकते हैं आप कितना पानी है, और यहाँ पैर भी रोकना मुश्किल हो जा रहा है। काफ़ी तेज ये पड़ाव में आ चुका है, और मैं अभी आप देख सकते हैं कितना तेज़ धार पे हूँ। पैर, रोड भी अब टूट रहा है, रोड भी क्रैक हो रहा है, बहुत ही मुश्किल कार्य है ये देखना। तुम रोड का संपर्क टूट रहा है, जिस तरह का पानी दिक्कत हो रहा है। आप देख सकते हैं अपना जो साग बाहर लेके लोग जा रहे हैं। हाँ भाई जी, बाढ़ आ गया है, बाढ़ आ गया है, लेकिन अभी बाढ़ सुरक्षित है, और माशाल्लाह भगवान का दुआ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। और खुदा ना खास्ता अगर पानी बढ़ता है तो रिस्क भी है, इस बात को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जो बांध बांधा गया है वो पूर्ण रूप से मिट्टी से नहीं, बालू से, बालू मिक्स करके बांधा गया है। बहुत जल्द वीडियो आएगा, मैं वीडियो डालूंगा। फिलहाल के लिए देखिए पानी तो चारों तरफ आ गया है। संतोष भाई जी, अभी मैं कोहनी में हूँ, भाई सही में, और ये लोग काफ़ी प्रभावित हैं। मैं एक वीडियो डाला हूँ, आप लोग देखिएगा, जरूर से शेयर भी कीजिएगा। बहुत ज़्यादा पानी है, उनका घर पूर्ण रूप से डूब चुका है। उस घर में मैं गया था, हालांकि वो घर धीरे धीरे ढह रहा है, वो ढहने के कगार पे है। आवाज़ आ रही है आप लोगों की, रिप्लाई जरूर दीजिएगा। आवाज़ आ रही है तो रिप्लाई दीजिए कि हाँ साउंड आ रहा है। आप देख सकते हैं ये साइकिल बहुत मुश्किल है, ये तेज धार है, और वो साइकिल जो अंकल लिए हुए हैं उनका साइकिल उदहाने लगा और बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए देखिए देखिए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओ पकड़ो यार, पकड़ो ले रे गधा, ओ ओ छोड़ दी महाराज, ए ए ए इधर भाई, इधर भाई, इधर भाई, इधर भाई, मर के भाग ले हुए, ए ए ए नहीं ले, मर के ए नहीं ले, फिर पकड़ के उधर गया। घर घर हो गया। साइकिलिया कहाँ गए? साइकिलिया उनका साइकिल वाला। नहीं ले होगा तो देखो आ जाइए, नहीं आ जाइए। साइकिल कहाँ मिली अब? देख सकते हैं अभी अभी एक व्यक्ति साइकिल लेके जा रहा था, वो
और वो साइकिल सहित ही बह गया और जान बचाने के लिए हमारे दीपक भैया जी आगे आए मदद करके, हमारे एक दोस्त मनीष भैया वो भी आगे आए